दोस्तों वेलकम बैक टू द चटपट टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूं आरसी बुलेट ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, ये है एक आरसी बुलेट ट्रेन, वो भी काफी ज्यादा बड़ी बुलेट ट्रेन लाया हूं मैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आपने आज तक बहुत सारी ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन्स तो देखी होगी, पर ये ट्रेन कुछ अलग है। इसके साथ हमें कोई भी ट्रैक्स वगैरह नहीं मिलते हैं, ये ट्रेन हम रोड पर भी चला सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल वाली ट्रेन है। तो इसे मैंने खरीदा था अमेजोन से, इसका प्राइस भी मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या ये बुलेट ट्रेन हमें खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। ये रहा दोस्तों अमेजोन और इसका प्राइस आप देख सकते हो 1545। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से जाकर आप इस ट्रेन को खरीद भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो अपन इसे ओपन कर लेते हैं जल्दी से यहाँ से। तो यहाँ पे हमें मिल जाती है एक बैटरी। मैं बोलूंगा गाइस ये बैटरी तो नहीं है, ये बैटरा है यार। इसका साइज देखना आप, कितनी ज्यादा बड़ी बैटरी है ये। तो इसका नाम है बैटरा, बैटरी नहीं। तो निकाल लेते हैं हमारी ट्रेन को बाहर। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस, इस ट्रेन को बाहर रोड पर जाकर टेस्ट भी करेंगे, देखते हैं इसमें कितनी स्पीड है। क्योंकि यार आप लोगों को पता ही होगा बुलेट ट्रेन की स्पीड काफी ज्यादा होती है। मैक्सिमम बुलेट ट्रेन की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। दोस्तों मुझे तो रियल वाली बुलेट ट्रेन काफी पसंद है यार। आप लोगों को बुलेट ट्रेन पसंद है या फिर अपनी इंडियन पैसेंजर ट्रेन पसंद है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना गाइस। तो पहले हम यहां से रिमोट निकाल लेते हैं इसका, उसके बाद में इस खतरनाक सी दिखने वाली बुलेट ट्रेन को भी निकाल लेते हैं। काफी एकदम जबरदस्त डिजाइन है इसका, बिल्कुल बुलेट ट्रेन जैसा बनाया इन लोगों ने इसे। तो मुझे इनका लॉजिक समझ में नहीं आया गाइस, ये रोड पर किस तरह से चल सकती है यार। जल्दी से निकाल लेता हूं मैं इसे। तो ये आ चुकी है हमारी बुलेट ट्रेन। ये वाली ट्रेन हमें दो कंपार्टमेंट में मिल जाती है। ये रहा इसका पीछे वाला कंपार्टमेंट, काफी ज्यादा बड़ा है और काफी डिटेलिंग में बनाया गया है। मैं आपको थोड़ी देर में इसका कंपार्टमेंट दिखा देता हूं। इसे निकाल लेते हैं बाहर। तो पहले मैं आपको इसका इंजन और यहाँ पे है इसका कंपार्टमेंट दिखा देता हूं। तो नीचे देख सकते हो टायर्स लगे हैं, काफी ज्यादा टायर्स है। यहाँ पर 4 टायर्स है और यहाँ पर 4 टायर्स है। यहाँ पे इसका बैटरी सेक्शन, तो बैटरी भी डाल लेंगे थोड़ी देर में। 4 सीट्स है यार सामने की ओर देख सकते हो, 4 ड्राइवर चलाते हैं क्या गाइस? मुझे तो पता नहीं, अगर आपको पता है तो बुलेट ट्रेन कितने ड्राइवर चलाते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। यहाँ पर पैसेंजर्स बैठने के लिए काफी ज्यादा सीटें दी गई है, मैं गिन तो नहीं पाऊंगा यहाँ पर क्योंकि काफी ज्यादा दिख रही है। तो ओवरऑल क्वालिटी तो एकदम खतरनाक है इसकी, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब लगी मुझे, बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एसी के वेंट्स हैं, यानी कि फुली एसी वाली बुलेट ट्रेन है ये। सामने वाला डिजाइन देख सकते हो, पूरी तरीके से एरोडायनामिक लग रहा है। ये रहा इसका पीछे वाला कंपार्टमेंट, ये भी बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है इसकी। यहाँ पर भी 4 टायर्स दिए गए हैं, पीछे देख सकते हो गाइस अनगिनत सीटें नजर आ रही है हमें, काफी मस्त डिटेलिंग है यहाँ पर भी। कलर भी इसका काफी अच्छा लगा मुझे, वाव। टायर्स इसके काफी छोटे दिख रहे हैं गाइस, पता नहीं ये रोड पर किस तरह से चलेगी। तो इसे भी रख देते हैं, इसका रिमोट दिखा देता हूं मैं आपको। स्टीयरिंग टाइप रिमोट दिया गया है, काफी टेक्टाइल है इसके बटन्स। यहाँ पर भी एक बटन दिया गया है, शायद ये काम भी करेगा या नहीं मुझे पता नहीं है, चेक करके आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे 2 बैटरीज डाल सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके अंदर बैटरी डाल के रखी हुई है। तो ये वाली बैटरी अभी हम डाल लेते हैं इसके इंजन के अंदर, उसके बाद बाहर चलेंगे गाइस इस ट्रेन को टेस्ट करने के लिए। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना गाइस, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ये ट्रेन क्या खरीदने के लायक है कि नहीं, क्योंकि इसका प्राइस काफी ज्यादा लगा मुझे 1500 रुपीज। तो इसे लगा देते हैं यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं बाहर इस ट्रेन को टेस्ट करने के लिए।
तो दोस्तों इसे मैंने अभी अभी कर लिया है टेस्ट। अभी बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में। यार इसकी बिल्ड क्वालिटी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि काफी मस्त बिल्ड क्वालिटी है, काफी सॉलिड प्लास्टिक से बनाई गई है ये वाली बुलेट ट्रेन। इसकी स्पीड मुझे काफी स्लो लगी यार, रोड पर जब मैं चला रहा था इसकी स्पीड काफी कम हो चुकी थी। इस बुलेट ट्रेन को मैंने घर के अंदर भी चला के देखा है गाइस, घर के अंदर तो काफी मस्त तरीके से दौड़ रही थी, क्योंकि इस ट्रेन के टायर्स छोटे होने के कारण इसे हम अगर स्मूथ सरफेस पर चलाएंगे तो काफी मस्त तरीके से चलेगी ये वाली ट्रेन। बाहर रोड पर तो सही से काम नहीं कर रही थी गाइस, मैंने पूरी तरीके से कर लिया है इसे टेस्ट। ओवरऑल इसके प्राइस के हिसाब से मुझे तो ये ट्रेन ठीक ठाक से ही लगी, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेन है यार और दिखने में भी काफी यूनिक दिखती है। आप अगर इस ट्रेन को खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप इस ट्रेन को खरीद भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों अभी हम दे देते हैं शाउट आउट। कल मैंने KTM 1290 सुपर ड्यूक बाइक की वीडियो डाली थी, वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देखना गाइस, काफी जबरदस्त वीडियो बनाई है मैंने आप लोगों के लिए। तो यहां पर सबसे पहला नाम आ जाता है समीर राव, युवन, आयुष बराल, रफसान, प्रवीश, अरविंद पटेल, शमीर, आदित्य शर्मा, सौराज्य घोष, दिवांश, आसिफ, संतोष सिंह, कुशल चौहान, रेखा शर्मा, कामरुल हसन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 15 लोगों के नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी इस वीडियो पर लाइक करेंगे और नीचे एक अच्छा वाला कमेंट भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।